Good morning guys, today is day 4 in Darjeeling and I'm starting the vlog a bit early. आज हम जाएंगे हैप्पी वैली टी स्टेट और रोपवे, और ये जो आपको जैकेट दिख रहा है मैंने यहीं से ख़रीदा है दार्जिलिंग में। इसका प्राइस उन्होंने बोला था 4800 ऐसा कुछ, बार्गेन करके 1500 आया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आई एम शूटिंग वाई गोप्रो उनका दुकान ले रहा हूँ तो उन्होंने और 500 कम कर दिया, तो 1000 रुपीस में उन्होंने ये दे। बाय द वे दिस इज फॉग और क्लाउड, आई डोंट नो, बट सी द प्लेस। दार्जिलिंग महल से आते वक्त इस तरफ आप देख ही सकते हो मेरे पीछे, यस यहाँ पर लिखा है आई लव दार्जिलिंग द आइकॉनिक पॉइंट, एंड इसी के पास वहाँ पे पीछे चर्च है। हम अभी चर्च में जाएंगे, देखेंगे कि वहाँ पे अभी एंट्री है कि नहीं। आई डोंट थिंक सो अभी एंट्री होगा, क्योंकि मे बी द एंट्री स्टार्ट फ्रॉम 9 AM। तो अभी हम जाएंगे। गाइस पीछे का वेदर देखो एक बार, जस्ट सी द वेदर, यहाँ पे फिर से फॉग एंड ऑल चेक कर लिया है जगह को, एंड दिस इज़ द आई लव दार्जिलिंग। एंड इसके पास बहुत सारे स्टॉल भी है खाने पीने का, एंड जस्ट ये वाला जगह देखो, जस्ट सी, मैं खुद के ऊपर कैमरा रख ही नहीं पा रहा, इतना अच्छा यहाँ का व्यू आ रहा है, जस्ट देखिए ये वाला तो सामने दिखाई दे रहा होगा द चर्च। यहाँ पे टैक्सी स्टैंड भी है, जस्ट लुक एट द चर्च गाइज। सीधा व्यू गाइज, एंड चर्च के आसपास देखिए कितना कोहरा है। गाइज आप लोग देख ही सकते हैं मेरे पीछे वहाँ पर चर्च है, तो अभी एंट्री इज़ नॉट अलाउड बिकॉज वो खुलता है 9 बजे से, 9 AM से। वहाँ पर बोर्ड पे लिखा है कि 9 AM मार्च टू नवंबर एंड 9:30 AM दिसंबर टू फरवरी, तो अभी तो इट्स 8 AM, इसलिए मैं अभी नहीं जाऊँगा। फ़िलहाल मैं अभी जा रहा हूँ दूसरा व्यू पॉइंट्स कवर करने, वहाँ से आके बाद में मैं शायद आऊँगा इसके अंदर, ठीक है। सो Give it a thumbs up. Maybe you will tell me what you're thinking. Maybe you will give me all the blame, but I'm moving on. Welcome to Happy Valley Tea Estate. तो फाइनली मैं आ चुका हूँ हैप्पी वैली टी स्टेट में, और यहाँ का जो व्यू है वो तो आप देख ही लोगे, एंड आप देख सकते हो इनफैक्ट मेरे पीछे ही। और हम फिलहाल बहुत नीचे आए हैं जहाँ पर एक्चुअल बोर्ड है हैप्पी वैली टी स्टेट का, तो हम जिनके साथ आए हैं हमारे जो भैया है वो बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने खुद बोला कि लोकल नॉर्मली जो बाकी सब ड्राइवर्स हैं वो सिर्फ टी फैक्ट्री तक लाते हैं, लेकिन एक्चुअली जो लाना चाहिए वो है हैप्पी वैली टी स्टेट का जो बोर्ड है एक्चुअल बोर्ड उसके पास। तो आप उनको बोलना कि हम नीचे जाएंगे, गाड़ी बुक करते टाइम ही उनको बोलना कि हम नीचे जाएंगे जहाँ पर हैप्पी वैली टी स्टेट का बोर्ड है, क्योंकि यहाँ से जो व्यू है वो एकदम अल्टीमेट है। ये नज़ारा, ये देख के कोई भी कभी भी बोर्ड नहीं होगा, सिर्फ देखिए ये पूरा दार्जिलिंग है पूरा, एंड आई बेट 100% कि नेकेड आइज में जो आएगा वो गोप्रो में कभी नहीं आएगा। प्लीज़
यहाँ पर एक बार आइए। यह है उसका एक्चुअल स्टॉप। मैक्सिमम गाड़ी क्या करते हैं, वहाँ पर जो एक फैक्ट्री है वहाँ तक लाते हैं, लेकिन अगर अच्छे भैया हो तो वो खुद ही आपको यहाँ तक लाएंगे। जैसे ये हमारा गाड़ी था, ये वाला, हम वैगनर में आए थे इस गाड़ी में। गाड़ी का नंबर ले लीजिए, मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी हो सके तो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप कॉल करके आइएगा। ये भैया बहुत अच्छे हैं और भैया यहाँ पे गाड़ी क्लीन कर रहे हैं। भैया यहाँ पर कर रहा हूं। खुद के गाड़ी को क्लीन कर रहे हैं, बहुत ही वेल मेंटेन्ड और बहुत हाइजीनिक है। भैया आपका नाम क्या है? माय नेम इज जोजो भाई। जोजो भाई, और यहाँ पर नंबर है, मोबाइल नंबर, मैं फिर भी ये नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको कॉल करके आना इस नंबर पे। सीधा व्यू मैन, गाइस यहाँ पे दीदी लोग चाय पत्ती ले रहे हैं। सो हमारा सिस्टर है, अच्छा गांव का, मान लीजिए यहाँ के लोकल्स है, और ऐसे ही होता है टी का हार्वेस्टिंग। ये वाला इस फिलहाल ये ऐसा जो है ना, दो पत्ते और एक बीच में से शीरा, तो फिलहाल ये सबसे हाई क्वालिटी का चाय बनता है इससे। ये है, और बाकी यहाँ पे चाय का प्रोसेसिंग पूरा साल होता है या फिर कोई सिलेक्टिव महीना होता है? नवंबर तक होगा। नवंबर तक? अच्छा, उसके बाद से नहीं होता। मैंने अभी यहाँ के लोकल से पूछा तो उन्होंने बोला कि यहाँ का जो चाय का हार्वेस्टिंग होता है वो नवंबर तक होता है, नवंबर के बाद से फिलहाल बंद रहता है, और फिर से मार्च अप्रैल में इसका चाय का हार्वेस्टिंग होता है। तो अगर आपको यहाँ से ख़रीदना हो तो आप खुद भी आ सकते हैं यहाँ पे, यहाँ इन लोकल से आप चाय पत्ती खरीद सकते हैं बहुत कम दाम में, वो आपको बेचेंगे, एंड इनसे बातचीत भी करके आपको यहाँ का लाइफस्टाइल ये सब समझ पाएंगे। इधर में टोकरी बात करता है यूट्यूबर सर, हंस में तेरी पाई लेकिन नसना पड़ेगा। सो गाइस ये है चाय पत्ती, और ये मैं तोड़ के यहाँ के टोकरी में डाल रहा हूँ, जैसे यहाँ के लोकल्स करते हैं। ऐसे ही होता है चाय पत्ती का हार्वेस्टिंग, पत्ते तोड़ के ऐसे बास्केट में डालना पड़ता है। मेरे साथ भैया भी है जो कि कानों में फ्लावर लगाए हुए हैं, और वो भी मेरे साथ टी पत्ती का हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। और यहाँ का क्वालिटी मुझे नहीं समझ में आता है, उनको समझ आता है। ये है यहाँ के लोकल्स। गुड इवनिंग। स्ट्रीट फूड जितना भी है मैं सब दिखाऊंगा, उनका प्राइस क्या क्या है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसका टेस्ट कैसा है, एंड विथ ओरिजिनल रिव्यू। सो बने रहिए चैनल में, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। चलिए चलते हैं पहले दुकान में। सबसे पहले मैंने ले लिया है मोमोज, स्वीट का मोमोज। ये है चिकन मोमोज, इसका प्राइस है 60 रुपीज़ में 8 पीस देता है। मेरे हाथ में अभी जो है वो इसका इस प्लेट का दाम है 60 रुपीज़, और 60 रुपीज़ में 8 चिकन मोमोज मिलता है। और ये देख लीजिए मोमोज का साइज़ जो है वो उतना बड़ा नहीं है, लेकिन छोटा है, लेकिन देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसका जो इट इज़ वेरी वेल कुक्ड, एंड यू कैन सी इसमें थोड़ा ट्रांसपेरेंसी है। और इसके साथ चटनी भी दिया गया है, जो कि यहाँ का जो बहुत स्पाइसी चटनी है। तो अभी हम खा के देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। सो ट्राई। मोमोज आर वेरी टेस्टी, इट्स वेरी टेस्टी। आई नो ये साइज बहुत छोटा है, लेकिन सच में इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। इसका जो स्टफिंग है ना बहुत ठीक है। आई वुड से द अमाउंट ऑफ चिकन दैट इज इनटू इट इज क्वाइट एनफ। आई मीन ये हाफ पोर्शन है, बाकी हाफ पोर्शन मैंने खा लिया, सो आई वुड से इट्स नाइस। सो स्ट्रीट मोमोज जो है उसका रिव्यू 9 out of 10। ये है मेल रोड, मेल जाने का रास्ता, और ये है केवेंटर से आता हुआ रास्ता। तो ये आने के बाद ही इस दीदी का दुकान है, मैंने यहाँ से मोमो खाया। मोमो ही सुपर टेस्टी, मोमो, चिकन मोमो, वेज मोमो, बन रहा है। दीदी आपके दुकान में कौन कौन सा डिशेस मिलता है?
चिकन मोमो, वेज मोमो, फ्राई मोमो, स्टीम मोमो, चिकन शेफाले सब मिलता है सर जी। ये चिकन शेफाले है, ये चिकन बॉल है, ये स्टीम मोमो है, इधर भी बन रहा है, लाइव किचन चल से बना रहा है, दे रहा है, बना रहा है, दे रहा है। तो मैंने दीदी के दुकान से दो दिन लगातार मोमो खाए, बहुत ही अच्छा बनाती है दीदी। सो थोड़ा प्राइस बता दीजिएगा भाई। चिकन का 60, वेज का 50, चिकन बॉल 60 50, और ये चिकन शेफाले 50, 8 पीस थाक पे। ये यहाँ का लोकल डिश है तो आप... लोकल डिश है ये शेफाले, इसको शेफाले बोलता है। चौमिन कितने का है सर? वेज वाला 50, अंडे वाला 60, चिकन वाला एक अंडा और चिकन मिला के 100 का भी है। तो कौन सा बना दो सर? नॉर्मल वाला। नॉर्मल थोड़ा डालना सर। गाइस यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा अभी वेज चाउमीन बन रहा है। मैंने यहाँ से वेज चाउमीन लिया है, ठीक है, एक चिकन चाउमीन नहीं लिया क्योंकि हम वहाँ पे फायर चिली चिकन ले रहे हैं एक प्लेट, इसलिए मैंने यहाँ पे वेज चाउमीन लिया और वहाँ से फायर चिली चिकन लिया। तो अभी ये हमारा वेज चाउ बना रहे हैं, देखिए ऐसे ये बना रहे हैं हमारा वेज चाउमीन। भैया ये कितने का है? ये चिली चिकन है सर, 100 का 10 पीस होगा। ये कितने का है? ये 90 का 1 पीस है सर। गाइस यहाँ पे हमारा फायर चिली चिकन बन रहा है, थोड़ा ड्राई बनाइएगा। नॉर्मल एवरेज बोले सर। आइए चाउमीन मोमो, ये भैया का बनाने का स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा। मोमो चाउमीन बोले सर, क्या खाना है सर? पार्सल भी हो जाएगा। मैम बोलिए क्या खाना है? मैम चाउमीन मोमो चिली चिकन। एक मिनट रख ली सर, क्या खाना है सर? सो गाइस अभी मैंने ले लिया है यहाँ से वेज चाउमीन जो मैंने वहाँ पर दिखाया था आपको, तो वहाँ से वेज चाउमीन लेके मैंने अभी यहाँ पे आ गया है। इनका जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, टू बी वेरी फ्रैंक। अभी क्वांटिटी से तो कुछ नहीं होगा, अभी देखते हैं किसका टेस्ट क्या है, तो टेस्ट करके देखते हैं। इन्होंने सब कुछ दिया है यहाँ पे, यहाँ पे हरी मिर्च है, प्याज है, कैबेज है, कैप्सिकम है, बहुत कुछ दिया है इन्होंने। मैंने वेज चाउमीन लिया था, अभी देखते हैं कि टेस्ट कैसा है। थोड़ा सा नमक कम है लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। इन्होंने जब चाउमीन को टॉस किया ना, तो टॉस करने से ये थोड़ा सा बर्न हो गया, वो बर्न हुआ फ्लेवर बहुत अच्छी तरह से आ रहा है। वो तवा का जो स्मोकी फ्लेवर है ना, वो स्मोकी फ्लेवर बहुत अच्छे से आ रहा है यहाँ से। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला चाउमीन। इसका प्राइस 60 रुपीज़ है, दिस इज़ वेरी नाइस। अकेले नहीं खा पाऊँगा, मैं अपने दोस्तों को दूंगा, दोस्त लोग भी खाएंगे। अभी मैं फ़िलहाल ये ख़त्म करने के बाद जो ड्राई चिली चिकन है वो खाऊँगा। हेयर इज़ अवर सेकेंड डिश, तो ये है ड्राई चिली चिकन। ये देख के ही मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही लजीज होने वाला है, क्योंकि द चिकन इज़ वेरी जूसी, आई मस्ट से। तो ये तो स्पून इसमें जा नहीं रहा। आई विल डू वन थिंग, आई विल ईट विद माई हैंड्स। ओके, सबसे पहले मैं एक लेके देखता हूँ। ये पकड़ने से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही सॉफ्ट है, खा के देखते हैं। गाइस 20 out of 10, ये बहुत अच्छा है खाने में। जस्ट देखिए इसका जो टेंडरनेस है, देखिए मैंने सिर्फ ऐसे हल्का दबाया, कैसे इजीली ये एकदम अपार्ट हो गया। देखिए बहुत ही जूसी चिकन है, ये देखिए, दिस इज टेस्टिंग रियली रियली डिलीशियस। सो आई मस्ट से इफ यू डू नॉट लाइक द चाउमीन ऑल्सो, प्लीज टू ऑर्डर दिस ड्राई चिली चिकन। जो वो फायर में जब टॉस करते हैं ना, उसका जो स्मोकी फ्लेवर इसमें आता है वो किसी और चीज़ में नहीं आएगा। भैया सबसे बेस्ट था वो वाला चिली चिकन सर, बहुत बेस्ट था।
चाउमीन से भी एकदम बेस्ट है। आपका नाम जरा बता दीजिए। मेरा हसमुद्दीन अली नाम है। हाँ, हसमुद्दीन अली। हसमुद्दीन अली। और भाई भाई आप तुम्हारा? इनका इस्माइल। इस्माइल। अच्छा, ये दुकान है एकदम विश्व बांग्ला के एकदम ऑपोजिट में, तो यहाँ पे आके एकदम मस्ट रिकमेंडेड है। वो ड्राई चिली चिकन जरूर खाना ही खाना, ठीक है? सो 100 का मैम, 10 हाय गाइस, आज है सुबह डे 5 का एंड आज हम यहाँ से अपने घर रवाना हो रहे हैं। आज का ब्लॉग यहीं तक है, नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगा। लेकिन जाने से पहले प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपको भी अच्छा कंटेंट मिलता रहे। वी आर फाइनली लीविंग द होटल बिकॉज इट्स टाइम फॉर अस टू लीव रिटर्न होम। और यहाँ पर भी एक गैलरी है, आई मस्ट रिकमेंड यू। इनका सर्विस और इनका हॉस्पिटैलिटी प्लस मैनेजमेंट इतना ही अच्छा है, क्या है, पर्सनली रिकमेंडिंग यू, प्लीज कम एंड स्टे इफ यू विजिट दार्जिलिंग। दिस इज जय होटल, ओके, एंड इन रिसेप्शन देयर इज समवन। ओके मैम, योर नेम प्लीज? ओके, शी इज पूजा तमंग। इन केस यू फील एनी इंक्वायरी, इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनी क्वायरी, आई विल प्रोवाइड द नंबर इन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज डू कॉल एंड आस्क देम इफ यू हैव एनी क्वायरी। एंड वन मोर थिंग मैम, अगर कोई मेरे रेफरेंस से आएगा तो उनको थोड़ा डिस्काउंट देना होगा, ठीक है? सो मैंने बोल के गया है, अगर कोई आके मेरा फोटो या वीडियो या मेरा नाम लेके बोलो और उनको पूछो, तो जो नॉर्मल रेट है उनको उनसे थोड़ा वो कम करके शी विल टेल यू द रेट्स। डू एंजॉय एंड दिस इज़ वेरी नाइस होटल इन दार्जिलिंग, प्लीज़ कम एंड स्टे, आई रिकमेंड यू।